हेलो गाइस, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर पता होना ज़रूरी है, जिसमें वेव नेचर को सपोर्ट करता है, उसका रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन, और मैक्स प्लैंक की पार्टिकल थियोरी के अकॉर्डिंगली पार्टिकल नेचर के सपोर्ट में है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, हम स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, आप सब स्पेक्ट्रम वर्ड को तो जानते हो, ठीक है, जो सेवन कलर का जो बैंड होता है वो आपको, आप सब फैमिलियर हो उससे, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात है। पहले तो बताऊँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो किसी भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब दो एटम का कभी मैच नहीं होता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो ये दो है, एक है लाइन स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्वेशन में हमें मिलेगा, और दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको स्पेक्ट्रम के अंदर लाइंस देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसी कुछ लाइंस होगी। ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली एटम का होता है, और बैंड स्पेक्ट्रम जो होगा उसके अंदर कलर के बैंड देखने को मिलेंगे। जो विबग्योर होता है वो कलर के बैंड ही है, कुछ डिस्टेंस तक एक कलर चलता है फिर कलर चेंज हो जाता है, और ये बेसिकली होता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है एटम का और बैंड स्पेक्ट्रम होता है मॉलिक्यूल्स का। एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो और दो टाइप में क्लासिफाई किया है, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एमिजन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में एटम जो होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर स्पेक्ट्रम देता है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है तो डार्क लाइंस मिलती है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक कलर आ जाएगा, और एमिजन में एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट भी करता है, और इसलिए ये जो है यहाँ पर ब्राइट लाइंस मिलती है या ब्राइट लाइट मिलती है। ठीक है, सो किसी एक एटम का अगर मैं स्पेक्ट्रम निकालता हूँ एब्जॉर्प्शन और एमिजन, तो जो डिस्टेंस पे, मान लो कि ये सोडियम एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, उसमें ये एक फ्रीक्वेंसी लाइन पे मुझे डायरेक्ट लाइन मिलेगी एब्जॉर्प्शन में, तो वहीं पर ब्राइट लाइन मुझे मिलेगी एमिजन में। ठीक है, खाली ऑब्जर्वेशन करने का तरीका दोनों में अलग होता है। समझ में आ गया इतना? अभी हम मूव करेंगे मेन पार्ट के ऊपर। हम यहां पर देखने वाला है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये एक कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस का सैंपल है। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, लाइट दूंगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पहले तो एनर्जी लेकर हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन एटम जो होते हैं, आपको पता है एटम कैसा होता है, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एनर्जी अभी भी एब्जॉर्ब करेगा। मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, सबके सब सेम अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है। अभी मैं उसको सर्कल के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक ये लाइन के फॉर्म में बता रहा हूँ, ऐसा ही समझने के लिए। ये जहाँ पर वो रहता है उसको आप बोलते हो ऑर्बिट। ठीक है,
अब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलते ही सीधी सी बात है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स का अपोज करके वो हायर एनर्जी की ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है? और एनर्जी गेन करेगा तो और ऊपर जा सकता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ऊपर जाएगा। सो ये गया ऊपर, कहीं पर भी गया, हम उसको बता देते हैं 2, 3, 4, 5, कुछ भी, यह आ गया, ये एनर्जी लेकर जाएगा, ठीक है? लेकिन जब वो एनर्जी खर्च हो जाएगी, उसके बाद ये उसका घर नहीं है, ये टेम्पररी गया था, तो बाद में क्या होगा कि वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ये न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के पुल की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन जो है, मैं यहाँ पर बताता हूँ, एनर्जी लेकर गया था ऊपर, और जब एनर्जी खर्च हो जाएगी तो न्यूक्लियस के पुल की वजह से नीचे खींचा चला आएगा, और ये जो होगा ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांजिशन। ये खुद के ऑर्बिट में, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, जीएस, और ये एक्साइट होके ऊपर गया हाई एनर्जी ऑर्बिट, उसको एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ग्राउंड स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए उसका घर, और एक्साइटेड स्टेट जहां पर एनर्जी लेकर जा सकता है, खुद का घर नहीं है तो ऑफ कोर्स वहां पर रहने का पीरियड भी ज्यादा नहीं है, ठीक है? ये एक्साइटेशन हुआ और ये है डी एक्साइटेशन, वो दोनों को मिलाओ तो ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन इज एक्साइटेशन प्लस डी एक्साइटेशन। हमें जो इंटरेस्ट है ना वो डी एक्साइटेशन के अंदर है, जो हमें स्पेक्ट्रा देने वाला है, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिला जब हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व कर रहे थे। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर, ये मैं ग्राउंड स्टेट बता देता हूं। अच्छा, ये सबसे हाई स्टेट यहां पर 7 तक इलेक्ट्रॉन हम बताते हैं, 7, ठीक है? यह है एनर्जी लेवल, मतलब ऑर्बिट नंबर 6। उसके बाद यह है ऑर्बिट नंबर 5। उसके बाद यह है ऑर्बिट नंबर 4, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर है ऑर्बिट नंबर 3। उसके बाद यहाँ पर है ऑर्बिट नंबर 2, और फाइनली यहाँ पर बताता हूँ ऑर्बिट नंबर 1। बहुत केयरफुली बताया है मैंने, ये जो बीच का गैप है वो कम किया है, जो प्रैक्टिकली होता है उसका रीज़न बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर तक गया, जितनी एनर्जी लेगा उतना ऊपर तक जाएगा, 7 तक मैंने बताया है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है? चलो अब ऊपर से जब नीचे आएगा ना, वो पैटर्न हमें ऑब्जर्व करनी है। तो पहले तो मैं ऐसे डी एक्साइटेशंस को ऑब्जर्व करता हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबके सब फॉल होके फर्स्ट में आएंगे। तो मानो 7 से आ रहा है 1 में, तो ये 7 से आ गया 1 में, कोई 6 तक गया हो तो 6 से भी 1 में आ सकता है। ये ऐसा बताता हूँ मैं पार्ट जहाँ पर ग्राउंड स्टेट फिक्स है कि वो 1 में आए जहाँ पर वो थे, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है? क्योंकि ये है ना रैंडमनेस है, हमें कुछ पता नहीं है, ऑल पॉसिबिलिटीज वी हैव टू यू नो वी हैव टू चेक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसको N1 बोलेंगे। कहाँ से आ रहा है, तो N2 मतलब हाई लेवल, तो इससे हाई मतलब 2 से आया, 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ भी, समझ में आ गया? ये सीरीज जो है ना, इसको बोलते हैं लाइमैन सीरीज, साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा, कुछ ऐसे पार्ट भी होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेकंड ऑर्बिट के अंदर आएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी को बताते हैं हम यहां पर। ये 7 से आया 2 में, यहां पर आया, ठीक है?
सब के सब आ रहा है टू में, सॉरी हम यहाँ पर टू में बताने वाला है, ठीक है। चलो फोर से टू और थ्री से टू, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आए तो टू में आए, कहाँ से आए तो उसका हाई स्टेट थ्री फोर फाइव सिक्स। ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाल्मर सीरीज है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर से थर्ड तक आए, सेवन टू थ्री, सिक्स टू थ्री, फाइव टू थ्री और फोर टू थ्री। ये सीरीज का नाम है पाश्चन। एन वन की वैल्यू है तीन, एन टू की वैल्यू उससे कोई भी हाई फोर फाइव सिक्स है। समझ में आ गया। नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी चाहिए, तो ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट करेगा। और इसलिए डी एक्साइटेशन के टाइम पे हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ कलर्स दिखेंगे। कलर्स मतलब रेडिएशंस, वो विजिबल भी हो सकता है, विजिबल ना भी हो। जैसे कि ये जो है उसकी रेंज यूवी की होगी, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, 7 to 1, 6 to 1, 5 to 1, ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा जो अल्ट्रा वायोलेट रीजन में होगी, जो हम देख नहीं पाएंगे। जो टू में आएंगे वो हम देख पाएंगे, इसीलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजिबल रीजन में होगी। उसके बाद जो भी होने वाली है ये सबकी सब इंफ्रा रेड में होने वाली है, ये भी हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। सो अब मैं यहां पर आगे बता नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हमारे पास बेसिकली जो है ना सीरीज टोटल, वो लाइमैन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, इतनी सीरीज है। एन वन की वैल्यू यहां पर वन में आया, यहां टू थ्री फोर फाइव और यहां पर सिक्स, और एन टू की वैल्यू उससे कोई भी हाई, ठीक है। सो यहां पर टू थ्री फोर ऑनवर्ड्स कोई भी, यहां पर थ्री फोर, यहां पर फोर फाइव, यहां पर फाइव सिक्स, यहां पर सिक्स सेवन, सेवन एट। समझ में आ गया। ये जो है इसका रीजियन है यूवी, इसका रीजियन है विजिबल, और ये सबका रीजियन है इंफ्रारेड। लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, होगी सब आईआर में, लेकिन होगी अलग अलग रेंज के अंदर, ठीक है। ये नज़दीक वाला आईआर, दूर वाला और दूर वाला, बहुत दूर वाला आईआर, ठीक है।